वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। इस वीडियो में हम एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्टिंग करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक कवर कर चुके हैं। और इसमें क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, देखो मान लो ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मान लो ये पाइप था इस तरह का। इसके अंदर स्ट्रक्चर होती है, एक संरचना होती है, फिंगर लाइक संरचना, मतलब उंगलियों के आकार की संरचना होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में उंगलियों की जो आकार की संरचना होती है, यहीं से हमारे जो स्टमक में आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आया था जो फूड पार्टिकल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, अगर वो काम के हैं तो इनके थ्रू अवशोषित कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये जो आपके क्या दे रखा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको हम कहते हैं वाइलाई। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, वाइलाई। इनके थ्रू क्या होगा, ये एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे जो फूड माइक्रो मोलिक्यूल मैक्रो मोलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो भी हमारे ज़रूरत है हमारी बॉडी को। ठीक है, बाकी इसमें से निकल जाएगा, इसमें से निकलता रहेगा जो जो एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे लास्ट में कहाँ पहुँच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर ब्लड होता है, यहाँ पर ब्लड होता है। ठीक है, ब्लड चलता रहता है। ये क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, ये अवशोषित कर लिए जाते हैं अंदर, और अंदर अवशोषित करने के बाद ये ब्लड में मिल जाते हैं। ठीक है, और ब्लड में मिल जाते हैं तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, घूमते हैं, जहाँ जहाँ पर एनर्जी की उसकी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होगी। ठीक है, वहाँ वहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स उपस्थित हो जाएंगे, और ये मॉलिक्यूल्स टूट कर एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होती है, ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया, उसमें ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं सेल के अंदर जाकर। ठीक, कोशिका होती है जो सेल उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, वाइलाई के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। ठीक है, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई आपको पता है कितनी होती है, 6 मीटर होती है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 मीटर होती है, और इसके अलावा टोटल जो लेंथ होती है आपकी वो 9 मीटर होती है, माउथ टू एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की टोटल, और ये बनता है आपका 7.5, और बाकी आपकी बचती है माउथ से लेकर स्टमक की। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, 1.5 मीटर। तो ये आपने पढ़ लिया एब्जॉर्प्शन इन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस तरह से होता है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषित करना भोजन को, सोख, वो चलते हुए भोजन को जो भी पार्टिकल ज़रूरत है उनको सोख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिंगर लाइक आउटग्रोथ, देखो यहाँ पे फिंगर लाइक आउटग्रोथ दे रखे हैं, इनको वाइलाई कहते हैं, सिंगुलर वाइलस। ये एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स में मिला देते हैं। ब्लड वेसल इनके सरफेस एरिया, यानी कि ब्लड वेसल इनके पास होता है। ठीक है, और वाइलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटेरियल, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और आर ट्रांसपोर्टेड विद द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और हमारी जो बॉडी के अंग है अलग अलग उनमें पहुँच जाते हैं। ठीक है ना, और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाने में काम आते हैं। ठीक है, ये आपका कहाँ गया, ये देखो, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। कि एसिमिलेशन, व्हाट इज द एसिमिलेशन, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द वाइलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्ट इन टू ब्लड स्ट्रीम, देन ब्लड सर्कुलेट दीज मॉलिक्यूल्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कन्वर्ट इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक प्रोटीन। ठीक है ना,
विच रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ये सारी प्रोसेस आपकी एसिमिलेशन कहलाती है, ठीक है। इन द सेल, सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाती है, ठीक है। जो ग्लूकोज होता है ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वाटर प्लस एनर्जी और आपका क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमें पचता नहीं है, ठीक है, और जो अवशोषित नहीं किया जाता, इन ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है, बड़ी आंत में। लार्ज इंटेस्टाइन देखो पढ़ते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर, ये बड़ी चौड़ी होती है, और ये बड़ी तो नहीं होती लेकिन चौड़ी ज़्यादा होती है। ये शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट होती है, मतलब लेंथ में कम होती है। इसकी लेंथ जो होती है वो 1.5 मीटर होती है। ये वाटर को और कुछ साल्ट को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड से। और रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। द फीसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम द टाइम टू टाइम इज कॉल्ड इगेशन। कि जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो और वेस्ट प्रोडक्ट वो क्या होता है, रेक्टम में पास हो जाता है। रेक्टम एक लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट पे होती है, ठीक है, और यहाँ पर सेमी सॉलिड वेस्ट इकट्ठा होता है, ठीक है, और फिशल मैटर आपका जैसे एनएच के थ्रू रिमूव होता है टाइम टू टाइम, ठीक है ना, इसी को हम इगेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखो डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग, अब घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनमें डाइजेशन किस तरह से होता है। डाइजेशन देखो घास खाने वाले, घास जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, सेलुलोज जिसको आसानी से पचाया नहीं जाता, ठीक है। इसे पचाने के लिए कुछ बैक्टीरिया और कुछ प्रोसेस होती है लंबी, ठीक है, तब जाकर ये सेलुलोज डाइजेस्ट होती है। Have you ever observed cow, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने देखा होगा कि गाय, भैंस और दूसरे जीव जंतु जो घास खाते हैं वो लगातार चबाते रहते हैं जबकि वो कुछ नहीं खाते, ठीक है ना, खा रहे होते हैं। वो आपने देखा होगा वो कुछ खा नहीं रहे होते हैं लेकिन वो अपना मुंह चलाते रहते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली दे आर क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ स्टमक। वो घास को निगल लेते हैं और एक हिस्से स्टमक के एक हिस्से में उसको इकट्ठा कर लेते हैं जिसको र्यूमेन कहते हैं, ठीक है ना। वो पहले इकट्ठा कर लेते हैं और फिर बाद में चबाते रहते हैं, ठीक है इसको। हेयर द फूड गेट्स क्या होता है, गेट कर्ड, यहाँ पर फूड कुछ ही डाइजेस्ट होता है, ठीक है ना, इसको कर्ड कहते हैं। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल पंप। और यहाँ पे जो कर्ड होती है ये क्या होती है, माउथ की तरफ स्मॉल लंप यानी कि आपकी माउथ की तरफ रिटर्न होती है और स्मॉल वो उस घास को निगल लेते हैं, फिर वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है र्यूमेन में, ठीक है, वहाँ से एक वापस एक प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस को र्यूमिनेशन कहते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे उसको निकाल के खाते रहते हैं तो र्यूमिनेशन कहलाता है वो। एनिमल कॉल्ड र्यूमिनेंट, और इन्हीं एनिमल्स को र्यूमिनेंट कहते हैं। द ग्रास इन इज रिच इन सेलुलोज, सेलुलोज की मात्रा उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है एक तरह का। इंड्यूमेंट लाइक कैटल डियर ईटीसी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमेन, कैटल्स में डियर में, मतलब ऐसे शाकाहारी जो जीव जंतु होते हैं घास खाते हैं उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है र्यूमेन में, जहाँ पर ये खाना इकट्ठा होता है। और फिर हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, वो सेलुलोज का पचाने में वो मदद करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। देखो ह्यूमन जैसे एनिमल्स हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, ठीक।
एनिमल लाइक हॉर्स रैबिट ईटीसी हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। एक जैसे कि हमने पढ़ा था ह्यूमन में माउथ से लेकर एनस तक, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गन होते हैं, इनकी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, ऐसे जटिल प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन जो रैबिट की बात करें और हॉर्सेस की बात करें तो इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको सीकम कहते हैं, ठीक है। ये ओसोफेगस जो होता है फूड पाइप होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उनके बीच में होता है एक ऐसे स्ट्रक्चर जो आपके फूड पाइप जो होता है जिसमें नली में से भोजन जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है उसके बीच में एक पार्ट होता है उसको सीकम कहते हैं, ठीक है। सेलुलोज क्या होता है ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या है डाइजेस्ट होता है सेलुलोज विच इज़ नॉट प्रजेंट इन ह्यूमन्स। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया के द्वारा वो सेलुलोज डाइजेस्ट होता है उनमें, लेकिन ये बैक्टीरिया ह्यूमन में नहीं प्रेजेंट होता और ना ही ये सेलुलोज की प्रक्रिया ह्यूमन में हो सकती है, ठीक है। सो फार यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल विच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम पजेस डाइवर्ट। दे आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव ए माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। देखो कुछ जानवर क्या होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम होता है अपने भोजन पचाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं उनका मुंह नहीं होता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वो किस तरह अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। 2.4 फीडिंग एंड डाइजेशन अमीबा। देखो अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि तालाब वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इट्स शेप एंड पोजिशन इट पुशेस आउट वन एंड मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया। देखो ये आपका कैटल का दे रखा है स्ट्रक्चर। ये आपने देखा था कि ओसोफेगस फूड पाइप इसके थ्रू क्या है अंदर जाएगा रूमेन में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। रूमेन से वो धीरे धीरे जब कुछ नहीं खाते तो उस फूड जो अंदर स्टोर्ड है उसको निकाल के वो चबाते रहते हैं, ठीक है, और फिर वो दोबारा से क्या है इसमें जाता है, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो क्या है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर वेस्ट मेटल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये स्टमक होता है, पेट होता है उसका, ये पूरा, ठीक है, किसका, कैटल का, जो भी पशु है। अब देखो अमीबा की बात करें, अमीबा मान लो अमीबा की स्ट्रक्चर जो होती है वो कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, ठीक है, इसकी डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं होती, कोई निश्चित आकृति नहीं होती, ये अपनी आकृति को बदलता रहता है, ठीक है। जैसे कि अमीबा है, यहाँ पर एक इसका न्यूक्लियस होता है, गहरा गाढ़ा न्यूक्लियस होता है, ठीक है, सेंटर एक सेल का होता है, हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है। देखो ह्यूमन बींग्स में भी क्या है, हर एक सेल में न्यूक्लियस है, ठीक है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब देखो ये जो अमीबा है इसके पास अगर कोई फूड पार्टिकल यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये फूड पार्टिकल प्रेजेंट था, तो अमीबा पता है क्या करेगी, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उंगलियों के आकार की संरचना है इसको स्यूडोपोडिया कहते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, वर्ड आ रखा है पहले स्यूडोपोडिया। तो ये जो फूड पार्टिकल है इसको ये अपनी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ठीक है, उंगलियों के आकार की संरचना है, इससे इस प्रोजेक्शन से क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है, इस तरह से इसको अंदर की साइड इसके चारों तरफ ये फैल जाएगा और फूड पार्टिकल को अंदर के तरफ ले लेगा, ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे क्या होगा, जो आपका अमीबा है ये उस फूड पार्टिकल को अपने अंदर ले लेगा, ठीक है। ये फूड पार्टिकल था, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल अंदर चले गए, इसमें से डाइजेस्टेड करके इसको पचा के इसको जो भी वेस्ट मटेरियल है इसका उसको
बाहर निकाल देता है, जैसे ही जिस तरह से इसने उसको लिया था ऐसे ही उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये आपका अमीबा में फीडिंग और डाइजेशन हो गया। देखो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये कुछ छोटे बहुत ज़्यादा छोटे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। वैन इसको लगता है कि इसका भोजन पास है तो ये आगे की तरफ चलता है, और सूडोपोडिय जो होते हैं इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पार्टिकल के चारों तरफ आ जाते हैं और इसको पकड़ के इसको निकल लेते हैं। ठीक है, और इसको फूड पार्टिकल को ट्रैप कर लेते हैं चारों तरफ से घेर कर, और इसमें डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल होते हैं, स्पेस होते हैं इसमें फूड वैक्यूल, जहाँ पर इसमें सेल का क्या है वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता है। ठीक है, फालतू का जो आपका फालतू की जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो यहाँ पर वैक्यूल में जाता है सेल का। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब, डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब किया जाता है, ग्रोथ मेंटेनेंस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, उसको अमीबा की ग्रोथ करने के लिए, उसको मेंटेनेंस करने के लिए और उसकी संख्या बढ़ाने के लिए। और जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू होता है फूड का, उसको एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल, वैक्यूल के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी सेम इन ऑल एनिमल्स, इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये किस तरह से जो हमारा इंटेस्टाइन था उसमें फूड जो एब्जॉर्ब किया है वो हमारी बॉडी में किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, गति करता है। ठीक है, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में, आगे चैप्टर आएगा